गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम गुरु विद्या एकेडमी के से 11th क्लास के लिए केमिस्ट्री के लिए छोटी सी वीडियो आपके लिए लाए। तो जनरली 11th क्लास में एक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। जनरली हमारे पास 11th, देखो सीधी सी बात आपसे बात की जाए केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने बहुत रसायन विज्ञान के बारे में आप लोगों को बहुत, आप लोगों ने 10th क्लास तक बहुत पढ़ा है। तत्व के बारे में, पदार्थ के बारे में, आयन के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बंध के बारे में पढ़ा है। तो उसी से ही जो रिलेट आप लोगों ने आज तक पढ़ा है उसी से ही रिलेट करते हुए मैं एक 11th क्लास का एक बहुत ही मेजर टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने ला रहा हूँ, जिसे आप लोगों ने 10th क्लास में भी शायद जनरली पढ़ा है। टॉपिक का नाम है आधुनिक आवर्त सारणी। देखो जनरली हम बात करें कि समय समय से तत्वों की खोज होती रही, तो हमारे पास तत्वों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो गई। अब इसकी एक ज़रूरत पड़ी कि तत्वों को एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए, और उस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाए तो उसका एक आधार रहे, और उसका आधार बहुत सारे वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों की श्रेणी को या तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए अपने प्रयास किए। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने त्रिक सिद्धांत पढ़ा होगा, त्रिक सिद्धांत जिसे डोबेराइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसके बाद में आप लोगों ने अष्टक सिद्धांत पढ़ा होगा, ऑक्टारूप। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो तत्वों के वर्गीकरण का श्रेय अगर किसी वैज्ञानिक को जाता है तो मेंडलीफ को जाता है। किसको जाता है? मेंडलीफ को, डिमित्री इवानोविच मेंडलीफ। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ दोष थे। उस दोष को अगर आप लोगों ने जनरली पढ़ा है तो हम कहते हैं कि जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर आधारित थी भाई? परमाणु भार पर आधारित थी। लेकिन जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी है उसमें थोड़ा सा सुधार करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी दी गई। अगर जनरली हम कहें तो आधुनिक आवर्त सारणी जो आज हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी देख रहे हैं वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सुधरा हुआ रूप है। किसका सुधरा हुआ रूप है? मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सुधरा हुआ रूप है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके खोजकर्ता हैं हेनरी मोजले। सन 1913 में उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी में सुधार करते हुए आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत की। अगर जनरली हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी को देखें तो इस तरीके से आप लोगों ने आधुनिक आवर्त सारणी को देखा होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के तत्वों को विभिन्न श्रेणी में, आवर्त में और वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आप लोगों ने जनरली पढ़ा है कि जो खड़े स्तंभ होते हैं जिन्हें सामान्यतः कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है भाई? वर्ग या ग्रुप्स, जिनकी संख्या हमारे पास है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ है जिन्हें आप लोगों ने कहा है वर्ग या ग्रुप्स, जिनकी संख्या कितनी है भाई? 18। कितनी है? 18। और जो हम लोग क्षैतिज पंक्तियां देखते हैं जिनकी संख्या, जिन्हें हम सामान्यतः कहते हैं आवर्त, और जिनकी संख्या है 7। तो जनरली आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ है उनकी संख्या कितनी है भाई? 18। और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनकी संख्या है 7, जिन्हें आप लोग जनरली आवर्त कहते हैं। अब इसमें ही हम लोग आगे बात करें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है
आधुनिक आवर्त सारणी है उसका जो मूल सिद्धांत है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो एक सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। परमाणु क्रमांक पर आधुनिक आवर्त सारणी जो निर्भर करती है, एक बात हो मैं आप लोगों को जनरली एक चीज मैं आपको बता दूं कि परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है। किसी भी तत्व की नाभिक में, किसी भी तत्व की नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, किसी भी तत्व की नाभिक में प्रोटोनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक का मतलब है कि उस तत्व की नाभिक में प्रोटोनों की संख्या। और एक बात याद रखेंगे कि प्रत्येक तत्व जो हमारे पास अब तक ज्ञात तत्व 118 तत्व हैं, उनकी नाभिक में प्रोटोनों की संख्या, हर नाभिक में प्रोटोन की संख्या भिन्न भिन्न है। ध्यान रखना, प्रोटोनों की संख्या भिन्न भिन्न। जनरली आयन जब बनाते हैं, एक बात और याद रखें, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही कारण है कि तत्व विद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, क्योंकि आप जानते हो प्रोटॉन होते हैं धनावेशित और इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित। तो जितना धनावेश पाया जाता है उतना ही ऋणावेश पाया जाता है। आज हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की। आधुनिक आवर्त सारणी को जनरली मैं पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्ग और आवर्त में वर्ग और आवर्त में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग हमारे पास है 18 और आवर्त है 7। इसी में ही जनरली आप लोगों को एक बात और याद रखनी पड़ेगी कि जो हमारे आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी है उसे जो तत्व दिए गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, उन तत्वों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। 4 भागों में पूरी आवर्त सारणी के तत्वों को बांटा गया है। अगर हम जनरली बात करें वो 4 भाग कौन से हैं, पहला आता है एस ब्लॉक के तत्व, इसके बाद में आता है पी ब्लॉक के तत्व, इसके बाद में आता है डी ब्लॉक के तत्व, और उसके बाद में आता है एफ ब्लॉक के तत्व। कितने कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। या बात करें कितने भागों में बांट रखा है? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। बात करें कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 18। वर्ग की संख्या है 18। और पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो आता है वो आता है आपके एस ब्लॉक के अंतर्गत। कौन से ब्लॉक के अंतर्गत? एस ब्लॉक के अंतर्गत। पहला और दूसरा वर्ग जो आता है वो एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इसी में ही हम जनरली बात करें पी ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक की बात, एस तो वर्ग संख्या 1 से 2। इसी में ही हम बात करें पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक आपके जनरली पी ब्लॉक के तत्व हैं आपके 13 से लेके 18 वर्ग में। कहाँ पर है? 13 से लेके 18 वर्ग में। जनरली आगे बढ़े तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व हैं आपके 3 से लेके 12 वर्ग में। वर्ग संख्या 3 से लेके 12। अब जनरली दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होती है कि एफ ब्लॉक के तत्वों को मुख्य सारणी है उससे बाहर रखा गया, और ए ब्लॉक के तत्वों को मुख्य श्रेणी से कहाँ रखा गया है? बाहर। पहली श्रेणी है उसे कहते हैं हम लैंथेनाइड श्रेणी, और दूसरी श्रेणी है उसे एक्टिनाइड श्रेणी। एक बात याद रखेंगे, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 3 में स्थित हैं। वर्ग संख्या कौन से में स्थित है? 3 में। क्योंकि जनरली आप लोगों को मैंने ये बता रखा है कि यहाँ पर लैंथेनाइड के बाद में अगर परमाणु क्रमांक आप देख रहे हो तो बेहतर आ रहा है। जनरली हम जाते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। हम कहते हैं हाइड्रोजन 1 नंबर पे, लिथियम 2 नंबर पे, फिर बात करें लिथियम 3 नंबर पे है, बेरिलियम 4 पे है, बोरोन 5 पे है, कार्बन 6 पे है, नाइट्रोजन 7 पे है, ऑक्सीजन 8 पे, फ्लोरीन 9 पे और नियोन 10 पे। मैं आप लोगों को बस इतना सा बताना चाहता हूँ कि
अगर आप लोगों को अगर 10 तक परमाणु क्रमांक याद है, तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर आपको 10 तक याद है, तो आप लोग पूरी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के और पी ब्लॉक के किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आसानी से याद कर सकते हो। वो कैसे, अभी हम आगे उसके बारे में बात करेंगे। इसी में ही हम बात करें एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व मुख्य श्रेणी से बाहर हैं, और जो कि कहाँ पर है, वर्ग संख्या तीसरे में, और वर्ग संख्या तीसरे में भी है, और आवर्त संख्या लेंथेनाइड जो तत्व है वो आवर्त संख्या छठे से बाहर हुआ है, क्योंकि 57 से बेहतर लेंथेनम तत्व। लेंथेनाइड श्रेणी को कह रहे हैं क्योंकि लेंथेनम तत्व के बाद में प्रारंभ होती है, और एक्टिनाइड श्रेणी एक्टिनाइड तत्व के बाद में प्रारंभ होती है। 89 एटॉमिक नंबर 57 के बाद में स्टार्ट हो रही है, और 89 के बाद में स्टार्ट हो रही है। इसी में ही हम जनरली बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ग संख्या पहला और वर्ग संख्या दूसरा, हमने कहा कि एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। पहले वर्ग को क्षार धातु कहा जाता है। वर्ग संख्या पहले के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है, जिसमें से हाइड्रोजन को एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप इसमें लिया गया है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी की भी कमी है, और आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे उसके बारे में। बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सभी तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। क्योंकि ये सभी तत्व जल से अभिक्रिया करके प्रबल क्षार का निर्माण करती है। क्या, किसका निर्माण करती है? प्रबल क्षार। तो एक जनरली मैं थोड़ा सा रिपीटेशन कर दूं वापस, आधुनिक आवर्त सारणी किसका सुधरा हुआ रूप है? मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का। किसका? मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का। आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। याद रखेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की, या मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में सुधार करके आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? हेनरी मोजले ने। कब प्रस्तुत की? सन 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। मीन्स आधुनिक आवर्त सारणी के जो तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो, जैसे 4 भाग हैं, इसमें एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या पहले और दूसरे में स्थित है। बात करें पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 के मध्य स्थित है। इसी में हम जनरली बात करें वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 के मध्य जो तत्व स्थित है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। और वर्ग संख्या तीसरे और आवर्त संख्या छठे, वर्ग संख्या तीसरे, याद रखेंगे, वर्ग संख्या तीसरे और आवर्त संख्या छठे के बाद में लेंथेनम के बाद में जो 14 तत्व हैं उनको आधुनिक आवर्त मुख्य श्रेणी से बाहर रखा गया है, और उस श्रेणी को कहा गया है लेंथेनाइड श्रेणी। और आवर्त वर्ग संख्या 3 और आवर्त संख्या 7 के से एक्टिनाइड तत्व के बाद में जो 14 तत्व हैं उनको भी मुख्य श्रेणी से बाहर रखा गया है, उसे कहते हैं लेंथ एक्टिनाइड श्रेणी। और इन दोनों श्रेणी को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है? एफ ब्लॉक के अंतर्गत। जनरली आप लोग जानते हो कि हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है। कितने तत्व है भाई? 118 तत्व है। जनरली हम इसको काउंट करना चाहें कि भाई 118 तत्व कैसे हैं, तो आप लोग काउंट भी कर सकते हो। वो कैसे, देखिए, बात करें हम लोग कि एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है। एस ब्लॉक में अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एस ब्लॉक में अगर हम गिने तो 7 ये और 6 ये, टोटल कितने हो रहे हैं? 13। एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी है? 13। जनरली मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक में इस आवर्त को छोड़ें तो इसमें कितने, 6, 12, 18, 24, 30, 36 और 1, 37। तो पी ब्लॉक में जनरली कितने तत्व है भाई? 37। डी ब्लॉक में बात करें, डी ब्लॉक का जो
डी ब्लॉक के तत्व हैं वो वर्ग संख्या चौथे से स्टार्ट हो रहे हैं और एक आवर्त में आपके पास 10 तत्व हैं, तो 10, 20, 30, 40। तो हम जानते हैं डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 40। और एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, एफ ब्लॉक की लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो जनरली एफ ब्लॉक के तत्वों की संख्या हो गई हमारे पास 28। अगर इसका हम लोग काउंट करें, इसको टोटल करें, तो 13 और 37 हमारे पास होता है 50। 50 प्लस 40 90, और 90 में अगर 28 का अगर आप ऐड करते हो तो हमारे पास टोटल जो आते हैं वो एलिमेंट आते हैं 118। इट मींस हमारी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, 118। में ही जनरली में एक चीज और मैं बात कर लेता हूं कि यदि मुझे किसी पहले वर्ग में या दूसरे वर्ग, पहले आवर्त में या दूसरे आवर्त में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक याद है, यदि मुझे किसी आवर्त में पहले और दूसरे तत्व का परमाणु क्रमांक याद है तो मैं किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकता हूं। जैसे अगर मैं पहले और दूसरे आवर्त से बढ़ता हूं तो मुझे परमाणु कितने तत्वों की संख्या में वृद्धि हुई है, दो तत्वों, तो आप परमाणु प्लस दो ऐड करिए। दूसरे से अगर तीसरे में आप जा रहे हो तो आप लोग प्लस एट प्लस आठ इसमें ऐड करेंगे। अगर तीसरे से चौथे में जा रहे हो तो प्लस और आठ इसमें फिर ऐड कर दीजिए। चौथे से पांचवे में जा रहे हो तो आप लोग अब इसमें ऐड करोगे 18। पांचवे से छठे में अगर आप जा रहे हो तो आप इसमें ऐड करोगे 18। और अगर लास्ट में जा रहे हो तो आप लोग ऐड करोगे 32। कितने ऐड करोगे, 32। जनरली हम लोग जानते हैं कि परमाणु क्रमांक एक, अब इसमें कितने ऐड होंगे, 3। इसमें कितने ऐड होंगे, 8। इसमें और 8 ऐड कीजिए, 19। 18 और 19 आपके 37 बनता है, और 37 में आप 18 जोड़ोगे तो आपके 55, और 55 में अगर 32 जोड़ते हो तो 87। तो इट मींस पहले से दूसरे आवर्त में बढ़ने पर प्लस 2, दूसरे से तीसरे में प्लस 8, तीसरे से चौथे में प्लस 8, चौथे से पाँचवें में प्लस 18, पांचवे से छठे में प्लस 18, और छठे से सातवें में अगर आप पढ़ते हो तो प्लस 32। ये एक प्रक्रिया है, एक तरीका है जिससे आप लोग किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हो। यदि आप लोगों को पहले और दूसरे आवर्त का परमाणु, पहले और दूसरे आवर्त के किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात है इसमें, तो जनरली एक बार और आप लोग समझ लीजिए कि टोटल जो तत्व हैं वो एक कितने हैं, 118। ये एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक ही समझिए इसको, कि अगर हम लोग आवर्त में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो तत्वों के परमाणु क्रमांक में जो वृद्धि हो रही है उसको किस तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है। जनरली 10th क्लास के बच्चे को कम से कम 10 तक परमाणु क्रमांक तो आता है, और नहीं आता है तो आप सीख सकते हैं। हाइड्रोजन का एक होता है, हीलियम का दो होता है, आप जनरली जानते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियम। इसी में हम आगे की ओर बात करें कि जनरली डी ब्लॉक, जैसे हमने कहा कि एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्वों में पहले वर्ग को हम कह रहे हैं क्षार धातु और दूसरे वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु। पहले वर्ग को कह रहे हैं क्षार धातु और दूसरे वर्ग को कह रहे हैं क्षारीय मृदा धातु। आगे हम बात करें पी ब्लॉक के तत्वों को, पी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है मुख्य तत्व या प्रारूपिक तत्व, मुख्य तत्व या प्रारूपिक तत्व। डी ब्लॉक के तत्वों को आप लोगों ने सुना होगा संक्रमण तत्व कहा जाता है, कौन से तत्व, संक्रमण तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, कौन से तत्व, अंतः संक्रमण तत्व। तो ये आपकी आधुनिक आवर्त सारणी की थोड़ी सी नॉलेज है। इसमें ही हम लोग आगे बात ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जनरली आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में इसको रिमेम्बर किया जाए या याद करने का बहुत इजी वे में याद हो सकती है, एक शॉर्ट ट्रिक्स है इनके वर्ग की, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्ग और आवर्त, वर्ग हैं 18 और
आवर्त हैं सात। 18वें वर्ग को आप लोगों ने सुना होगा पी ब्लॉक के तत्वों, पी ब्लॉक के तत्व मुख्य तत्व कहा जाता है। 18वें वर्ग के तत्वों को आपने एक नाम दिया है आप लोग, उत्कृष्ट गैसें। क्यों कहा जाता है अक्रिय गैसें, नोबल गैसें, उत्कृष्ट गैसें? क्योंकि ये तत्व किसी अन्य तत्व से कोई अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि ये तत्व किसी अन्य तत्व से कोई अभिक्रिया नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका भायतम कोष या इनका अष्टक पूर्ण होता है, इनका भायतम कोष पूर्ण भरे होते हैं, भायतम कोष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे होते हैं। जनरली मैं आपसे एक बात कर लूं कि कोई भी तत्व किसी भी अन्य तत्व से जुड़ता है या उनके साथ उसके साथ बंध बनाता है, उसका एक रीजन है कि वो अपने भायतम कोष को पूर्ण करना चाहता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, और स्टेबिलिटी इन तत्वों में पाई जाती है। 18वें वर्ग के तत्व पूरी आवर्त सारणी के सबसे स्टेबल तत्व माने जाते हैं। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अन्य तत्व इनकी तरह बनना चाहते हैं और इनकी तरह बनना चाहते हैं, इसी वजह से वो अन्य तत्व या तो इलेक्ट्रॉन दान करते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाए तो आयनिक बंध का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाए तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाए या ग्रहण किया जाए तो आप लोग पढ़ते हो उप सहसंयोजक बंध बनते हैं। इसमें हम बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, आधुनिक आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है इसमें धातुएं स्थित है। कौन सी क्या स्थित है? धातु जो, और सबसे क्रियाशील धातुएं पहले और दूसरे वर्ग में पाई जाती हैं। आप लोगों ने जनरली सोडियम के बारे में बहुत अच्छी तरह से सुन रखा है कि इसको खुले में नहीं रख सकते, सोडियम पोटेशियम दोनों ही ऐसे तत्व हैं जिनको खुले में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि तत्व जलवाष्प से अभिक्रिया करके, बहुत अत्यधिक मात्रा में जलवाष्प से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं, वो इनकी क्रियाशीलता के कारण है, क्योंकि इनके भायतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिन्हें ये आसानी से त्याग कर अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं। अब इसी में हम बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी के, आधुनिक आवर्त सारणी में जो मूत लेंथनाइट श्रेणी, एक्टिनाइट श्रेणी, इनको एफ ब्लॉक में पहले और दूसरे वर्ग को आप लोगों ने एस ब्लॉक के लिए कहा है, 3 से लेकर 12 के वर्ग है वो डी ब्लॉक में, और 13 से जो 18 है वो आपके पी ब्लॉक के। इसमें हम आगे की ओर बात करें कि जनरली मुख्य रूप से पहले और दूसरे वर्ग में हमारे पास धातुएं हैं, और 13 से लेकर 18 वर्ग में सामान्यतः ज़्यादा धातु भी है लेकिन मोस्टली वहाँ पर अधातु। आप लोगों के दिमाग में जनरली एक चीज आती है कि सर धातुएं और अधातुएं, सर धातुएं और अधातुओं में अंतर कैसे स्पष्ट किया जाए? देखिए भाई, धातुओं का तो एक सीधी सी बात, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं जो मुख्य रूप से धातु ही है, उस धातु के नाम के, अगर कोई तत्व के नाम के अंत में अगर ईएम आ रहा है तो वो 100% क्या है? धातु। वो क्या है? धातु। जनरली आप लोगों ने धातुओं की परिभाषा पढ़ी होगी कि वह तत्व जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं, और धनायन को रसायन या केमिस्ट्री की भाषा में ईएम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईएम। और ईएम कहा जाता है तो आप लोगों ने जनरली तत्व पढ़े होंगे, जैसे आप लोग Na, आप लोगों ने Na को आप कहते हो सोडियम, क्या कहते हो? सोडियम। तो ईएम आता है, तो वह तत्व जिनके नाम के अंत में ईएम आता है वो मुख्य क्रियाशील धातु है। जनरली हम बात करें कि ऐसी बात नहीं है कि सभी धातुओं के नाम के अंत में ईएम आए, लेकिन अत्यधिक क्रियाशील धातुओं के नाम के अंत में ईएम 100% आएगा। चलो हाँ, तो ये हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी की थोड़ी सी झलक थी जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक बात, थोड़ा सा 2 मिनट का एक
क्विक रिवीजन बता देता हूँ जिससे आप लोगों को पूरी आधुनिक आवर्त सारणी 2 मिनट में रिवाइज होता है। हम लोगों को जनरली हमने कहा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किसका सुधरा हुआ रूप है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी का। मेंडेलीफ की आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित थी, परमाणु भार पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज का श्रेय किसे जाता है, हेनरी मोजली सन 1913 में। आधुनिक आवर्त सारणी किसका सुधरा हुआ रूप है, मेंडेलीफ की आवर्त सारणी। बात करें आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में जो खड़े स्तंभ है उन्हें हम कह रहे हैं वर्ग। खड़े स्तंभ है उन्हें क्या कह रहे हैं, वर्ग, जिनकी संख्या कितनी है 18। आधुनिक आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्ति है उन्हें हम क्या कह रहे हैं, आवर्त, जिनकी संख्या कितनी है 7। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है, तत्वों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो भाग है एस ब्लॉक, दूसरा है पी ब्लॉक, तीसरा है डी ब्लॉक और लास्ट का है एफ ब्लॉक। याद रखेंगे एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं वो मुख्य श्रेणी से बाहर स्थित है। बात करें एस ब्लॉक के तत्वों की, एस ब्लॉक के तत्व पहले और दूसरे वर्ग में स्थित है। एस ब्लॉक के तत्व पहले और दूसरे वर्ग में स्थित है। याद रखिए पहले वर्ग को आप लोग कहते हो क्षार धातु, दूसरे वर्ग को कहते हो क्षारीय मृदा धातु। आगे बात करें पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व वर्ग संख्या 13 से लेके 18 में स्थित है, जिन्हें हम कहते हैं प्रारूपिक तत्व या मुख्य तत्व। प्रारूपिक तत्व या मुख्य तत्व वर्ग संख्या 3 से लेके 12 के तत्व डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं और एफ ब्लॉक के तत्व जो मुख्य श्रेणी से बाहर स्थित है, लेंथेनम तत्व के बाद स्टार्ट होने वाले 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड तत्व के बाद स्टार्ट होने वाले एक्टिनाइड श्रेणी, 14 तत्व ये है। बात करें अब हम आगे बात करना चाहें कि भाई एस ब्लॉक का मतलब क्या है, पी ब्लॉक का मतलब क्या है, डी ब्लॉक का मतलब क्या है और एफ ब्लॉक का मतलब क्या है। आगे हम बात करेंगे कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करता है, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करता है वो एस ब्लॉक के तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षा में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व और एफ अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एफ ब्लॉक में चला जाए, एफ कक्षा में चला जाए तो एफ ब्लॉक के तत्व। तो जनरली ये एक छोटी सी वीडियो थी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। इसी आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों को कैसे रिमेंबर करना है उसके बारे में सीखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उसका आधार समझेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके बारे में समझेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे की रिमेंबर, प्रत्येक तत्व को याद कैसे किया जाए उसकी ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों को याद कैसे करना है, इनको इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखना है, इस बारे में हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में अगली वीडियो में करेंगे। गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग।